पूजा भी शामिल है, जहां फिलहाल बीजेपी काबिज है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस उलट फेर करने का दावा भी कर रही है। देखिए खास सरगुजा लोकसभा, बीजेपी के इस अभेद किले को भेदने के लिए कांग्रेस इस बार जी जान से जुटी है, तो बीजेपी रणनीति के तहत पूरी मुस्तैदी से मैदान में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा कर चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत का दावा कर रही है, साथ ही पार्टी के नेता कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत ही अच्छे से है और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम फहराने जा रही है। बाकी वो भी राजनीतिक दल है, वो अपनी तैयारी करे जैसा समझते हैं वैसा उचित ढंग से करें। बीजेपी के वादे को कांग्रेस अति उत्साह करार दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि सरगुजा में इस बार बदलाव की बयार है। तो बिल्कुल फील गुड में चल रहे हैं, 2004 को रिपीट करेगी इस बार भारत देश की जनता जो है ना 2004 के नतीजों को रिपीट करने वाली है। सरगुजा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। बीजेपी ने कांग्रेस से आए चिंतामणि महाराज तो कांग्रेस ने युवा नेता शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दोनों दलों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता किसे सरगुजा का सरताज बनाकर दिल्ली भेजेगी। रोशन सोनी, बंसी न्यूज़, सरगुजा।